सो हाय गाइस, स्वागत है आपका माय स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। और मेरे साथ है स्पेशल गेस्ट जो कि आए हैं बहुत दूर से चल के पूरे टीम के साथ। सबसे पहले क्लिप टीजर दिखा रहे हैं आपको, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है अभी और स्पेशल नॉनवेज के साथ। ये है अरुण फ्रॉम जिप ऑफ लाइफ। मैं आपको बता दूं भैया, ब्रेकफास्ट नहीं था वो, प्रॉपर लंच था हांडी वाला। इन्होंने कहा था मुझे कि मैं दो पीस खाऊंगा, तीन पीस खाऊंगा मटन, लेकिन हम तो मटन दिल खोल के खिलाते हैं और इन्होंने पूरा एक हांडी हांडी थोड़ा लाइएगा इधर, थोड़ा पकड़ाइएगा। उन्होंने खाया डेढ़ किलो। डेढ़ किलो पहले मटन खा गया, फिर इंटरव्यू होगा, ये खत्म हो गया। डेढ़ किलो खा गया यार। ये मैं हमेशा सर खाता हूँ लगभग 200 ग्राम के करीब चिकन खा लेता हूँ, लेकिन आज मेरे को भी यकीन नहीं आ रहा, इतना टेस्टी था ना, अल्टीमेट था सर। बिहार का स्पेशल डिश था ये हांडी मटन, तो पसंद मेरे बड़ेगा, मजा आया उसमें। और अरुण जी का इंट्रोडक्शन कराएं हम सबसे पहले। उससे पहले बता दें कि इनके चैनल पे 1.18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। स्पेशल हैं कार के बारे में, अगर आप कार सीखना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, कार के बारे में कुछ रिव्यू देखना चाहते हो, तो आप इनके चैनल जिप ऑफ लाइफ पे जा सकते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले नहीं, बताएं सर, एक चीज मैं आपकी बात में सुधार करना चाहूँगा, नई कार खरीदने के लिए नहीं, अगर आप स्पेशली सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं, पुरानी वैगन आर, पुरानी सेंट्रो या पुरानी होंडा सिटी, सेकेंड हैंड कार अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे लगभग 200 वीडियोस मिल जाएंगी, जो मैं सिर्फ उन लोग, आपको मैं एक चीज बताऊं धर्मेंद्र सर, इंडिया में लगभग 45% मार्केट जो कैप्चर करती है वो नई गाड़ियों की मार्केट है, और 47% सेकेंड हैंड कार मार्केट है, मतलब नई गाड़ियों से ज्यादा सेकेंड हैंड कार ज्यादा बिकती हैं। तो मैं जो बताता हूँ उन लोगों के लिए बताता हूँ कि भाई सेकंड हैंड कार में ये चीज चेक करनी चाहिए या ये वाली गाड़ी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है धर्मेंद्र सर, लोग गाड़ी खरीद लेते हैं 1-1.5 लाख रुपए में, पता करते हैं ये गाड़ी नई कितने की आती है। नई गाड़ी तो यार 17 लाख रुपए की है, 1 लाख में ले लेते हैं, और लेके जो वो पछताते हैं ना उस गाड़ी को, तब उन्हें समझ में आता है सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले भी रिसर्च जरूरी है। इसीलिए आपको जिप ऑफ लाइफ जो है देखना जरूरी है। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके 1.18 मिलियन अभी हो गए हैं और मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर। हाँ। लेकिन आपको तो कुछ आता ही नहीं, हम देख रहे हैं आप इतने सारे गैजेट्स खरीद लिए, महंगे महंगे मोबाइल, मुझे पहले बोलने दीजिए, मोबाइल्स हैं, ट्राइपॉड्स हैं, सब चीज़ें, ड्रोन है, सब कुछ रखे हुए हैं सर, इस्तेमाल कुछ भी नहीं, फोन ही चलाने आता है हमारे पास, स्पेशली ये कोलैब के लिए नहीं आया है, ये आया सीखने के लिए। मैं यही बताने वाला हूँ, मैं धर्मेंद्र सर के पास आया हूँ, अभी अपना 200D Mark II खरीदा, 18 लेंस, नहीं 10-18 वाला जो वाइड एंगल लेंस, अच्छा, वाइड एंगल वाला, वो वाला लेंस खरीदा, फिर जोबी का ट्राइपॉड खरीदा, GoPro 7 ब्लैक खरीद रखा है, ड्रोन खरीद रखा है, सब चीज खरीद के रखी है। और जो मेरी वीडियो देखते ना सर, अभी नीचे कमेंट कर देना यार प्लीज आगे, उनको पता है मैं सिर्फ मोबाइल से ही बनाता हूँ। अभी सर के पास आया हूँ मैं, सर गुरुजी थोड़ा बहुत हमें सिखा दो, लैपटॉप खरीद के रखता हूँ भैया, एडिट आज तक काइन मास्टर से पहले तो लोगों भी आता था, वाटर 5 लाख सब्सक्राइबर सर मेरे जब हुए, तो लोगों ने ना, जो सब्सक्राइबर है मेरे जो चाहने वाले हैं, उन्होंने कमेंट करके, भाई 5 लाख सब्सक्राइबर हो रही है, वाटर मार्क तो हटा दे, मेड विद काइन मास्टर, ये लिखा आता था मेरी वीडियो पे। नहीं, एक बात कुछ भी है, लेकिन जो कुछ नहीं आता मेरे को सर, सॉरी टू कट यू, हाँ बताओ। नहीं कुछ नहीं, मैं वो सर बोल रहे हैं थोड़ा, सॉरी टू कट यू सर, मेरे को जो आता है ना वो आता है गाड़ियों के बारे में बताना, मेरे को एडिटिंग ये सब चीज नहीं आती, वो सीखने के लिए गुरुजी के पास आए। चैनल स्टार्ट किया था, सुनो मैं आपको बता दूं, चैनल स्टार्ट किया था मैंने सर की वीडियो देख देख के सीखा, हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, तब स्टार्ट करना है सर मेरे को। अब मेरे को अभी आपके बहुत सारे वीडियो देखता हूं और आप बहुत मोटिवेशनल बात करते हैं सर, बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं, वहां पे बात क्या बताते हैं कि डिमोटिवेट नहीं होना, आपको अपने कंटेंट पे ध्यान रखना है। मैं अरुण सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मोबाइल में ही एडिट करता हूँ और खास ध्यान नहीं रखता सर। मैंने एक रात को 7 बजे वीडियो बनाई यामा RX 100 के बारे में। अच्छा, अंधेरा, मतलब आप देख सकते हो कोई भी मेरे चैनल पे जाके, अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल 7 मिनट की वीडियो है, 3 महीने में 1 मिलियन क्रॉस कर गई, पर मैंने जो वीडियो के बारे में बातें बताई वो तगड़ी थी,
वो असली बातें थी। मेरे को कैमरा संभालने से ज्यादा जरूरी है मैं जो बात बता रहा हूँ वो लीगली जाती है मेरे सब्सक्राइबर तक या नहीं जाती, कंटेंट मैटर करता है, वही चीज सबसे बड़ी चीज है। एक चीज और आप लोग जानते हो ना या तो, ये एक पुलिस ऑफिसर थे पहले और आमतौर पर आपने देखा होगा कि एक आम इंसान पार्ट टाइम काम करता है यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए ताकि कुछ स्टेबल हो सके, कुछ गवर्नमेंट जॉब या फिर अच्छा जॉब या फिर अच्छी पोजिशन पहुंच सके, उसके लिए पार्ट टाइम पे यूट्यूब। ये महाशय जो है एक बढ़िया अच्छा खासा पुलिस ऑफिसर का जॉब करते थे, उसको क्विट कर दिए, कहे कि नहीं मुझे यूट्यूबर ही बनना है, पता नहीं क्या इसमें इनको मतलब देखा, क्यों आखिर आप यूट्यूब पे आए इतनी बढ़िया नौकरी को छोड़ के, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिस्क नहीं लगा, घर वाले घर वालों का अभी तक डंडा है, डंडा है ना, वो तो रहेगा ही, वो तो डंडा है। आप मेरे से ज्यादा समझते हैं चीज को, जो सर की स्टोरी जानते ना वो लोग रिलेट कर लेंगे यहाँ पे, मेरे से ज्यादा आप समझते हैं बड़े भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बताइए मुझे थोड़ा, अब इसमें हुआ क्या, मैं दरअसल पिछले सर आपको बता दूं 9-10 सालों में 18-19 सेकंड हैंड गाड़ियां चेंज कर चुका। अब 9 साल में 18-19 गाड़ी चेंज करना मतलब मान लो हर 6 महीने बाद मेरे पास दूसरी गाड़ी होती थी। पुलिस में नौकरी करते करते मेरा क्या होने लगा, नॉलेज होने लगी, कई बार ठगा गया, कई बार डंडा गया, ये गाड़ी खरीद ली, पर जब आप डंडे जाते हो ना आपको कोई नुकसान हो जाता तब एक्सपीरियंस मिलता। एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने सर से बहुत दिनों तक सीखते रहे, एक्सपीरियंस गेन करते करते पुलिस वाले जो अपने स्टाफ वाले थे वो लोग कहने लगे, अरुण चल यार मेरे को गाड़ी खरीदनी है तू चलेगा मेरे साथ, चलो सर, चले जाते थे। एक सतदेव तोमर साहब है हमारे सब इंस्पेक्टर साहब है, उन्होंने कहा यार तू पुलिस में रह के कितने लोगों को बता सकता है, तू फेसबुक पे वीडियो डाल। अच्छा, उस उन्होंने कहा फेसबुक, मुझे लगा फेसबुक पर वीडियो वाला है ही नहीं, यूट्यूब पे गुना शुरू करा जा, अगर वीडियो ही डालनी है तो यूट्यूब पे डाल लिया। और सर बिलीव नहीं करोगे, हाउ टू मेक ए यूट्यूब चैनल आपकी वीडियो देख के, उस वीडियो का लिंक भी देना यार इस वीडियो आपकी वीडियो देख के मैंने 17 जून 2018 में, मेरा जन्मदिन होता है, अरे वाह, यूट्यूब चैनल क्रिएट करा मैंने, पहली वीडियो डाली लगभग 21 या 22 तारीख में, फिर उसके बाद सारा क्रिएट करना ये सब चीज़ जोड़ के जिप ऑफ लाइफ रख के, मगर यार एक पूरा सेकेंड हैंड गाड़ी यार मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं, किसी को परेशान नहीं होना, 1 लाख हार्ड मनी मतलब हार्ड अर्न मनी करके वो 1 लाख की गाड़ी खरीदते हैं और उसमें उसको पछताना पड़ जाए कि यार ये तो डूब गए, तो बहुत ज़्यादा फील होता है। करोड़पति तो रोज गाड़ी बदल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वाली चीज़ मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट करी। और आपके सब्सक्राइबर से एक और बात बता दूँ, मक्खी हो रही है थोड़ी सी ये काट देना एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 1.5 महीने बाद मेरी फर्स्ट इनकम आ गई थी सर। वाह, कितना था वो अमाउंट? 28,000 रुपये मेरी, 300 कुछ डॉलर बने थे। वाह वाह, 28,000 कुछ रुपये मेरी 1.5 महीने बाद। और सुनो एक और मजेदारी बात, एडसेंस को लिंक कैसे करते हैं यूट्यूब चैनल से, तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ से कमाई होगी आपकी वीडियो देखी मैंने, मेरी तीसरी या चौथी वीडियो वायरल होगी थी। अच्छा अच्छा, उस पर 1-2 लाख व्यू, अभी मेरी जो वीडियो है मोस्ट वॉच्ड वीडियो है उस पर 14 मिलियन व्यूज हैं। वाओ ग्रेट, बट जब मेरे को किसी ने बताया कि यूट्यूब से पैसे भी कमते हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, तो धर्मेंद्र सर मिले, हाउ टू लिंक एडसेंस तो धर्मेंद्र सर मिले। भाई साहब धर्मेंद्र सर की वीडियो मैंने देख देख के ना, जिसे कहते हैं कंटेंट, इनका सारा पी गया घोल के वो वाला काम मैंने किया सर। पहले 1.5 महीने में मेरे को इनकम आई 28,000 रुपये, उस टाइम पे मेरी सैलरी भी लगभग 32,000 थी, 33,000 जो दिल्ली पुलिस की सैलरी थी। धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लाखों से ज़्यादा कमाने स्टार्ट कर दिए यूट्यूब से। बट बदौलत आपकी है, नहीं, नहीं, सब आपका मेहनत होता है इंसान सीखता कहीं से, लेकिन मेहनत तो फाइनली आपका ही है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और कुछ छोटा सा मैसेज हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए सर, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भाइयों छोटे ही भाई होंगे हमारे तो बिल्कुल, ज़्यादातर आपके चैनल पे यूट्यूबर देखते हैं, जो भी कुछ करना है ना दिल से करो। मेरे को सरकारी नौकरी लगानी थी, मैं 9th में फेल हुआ 3 सब्जेक्ट के अंदर, साइंस मैथ और इंग्लिश के अंदर। 10th में मैंने अपनी तहसील टॉप की, वाह। 12th में रेस्टिकेट हुआ हिंदी के पेपर में। अच्छा। नकल मेरी नहीं थी, किसी और की थी, कुछ बात हो गई ऐसी, वो मेरे नकल लगा दी गई, मैं 3 साल पेपर नहीं दे पाया 12th के, पर मेरे को सरकारी नौकरी उस टाइम पे चाहिए थी।
मैंने 5 साल मेहनत की और सर 5 साल रनिंग, मेरे को लगता था मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। मेरे एक चाचा जी हैं वो नेशनल खेलते हैं, 1600 मीटर दौड़ते हैं, वो बहुत बढ़िया रेसर हैं वो। मेरे को लगता था अगर मैं रेस लगाऊंगा, आर्मी में क्या होता है, पान सिंह तोमर किसी ने देखी हो तो वो समझ जाएगा कि जो एथलीट होते हैं उनको खाना पीना अच्छा मिलता है फौज में और रेस्ट पूरा, मैं तनख्वाह मिलेगी और मैं रेसर बन जाऊंगा। मैं 6.5 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करता था जब रेस लगानी स्टार्ट करी, और जब दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ 4:52 में मैंने रेस मारी थी। 5 साल तक बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यू रेस लगाई, मेरे को चिकन पॉक्स भी निकला, बुखार भी हुआ। ट्रैक पे जाना है तो जाना है। अभी वीडियो गाड़ी के बारे में डालनी है तो डालनी है, पर वीडियो वो डालनी है सर जिसके बारे में मुझे पता हो। आप ये जो कंटेंट होता है ना, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है मेरी तरफ से, जो भी सर को देखते हैं सबको, सर को नेचुरली बातों का पता है, ये कहीं से सर्च करके वीडियो नहीं बनाते कि ये चीज़ें सर्च कर लो। आपके साथ होता है ना ऐसा, मेरे को अगर इस गाड़ी, अभी मेरे पास एक गाड़ी आ जाए 2005 मॉडल 6 मॉडल वैगनार आ जाती है, चलो सर के पास भी वैगनार है मैं आपको बता दूं, वैगनार आ जाती है, और कोई बंदा कहने लगे यार अरुण भाई आपका चैनल देखा है और ये 2005 मॉडल मिल रही है, इतनी चली हुई है, कितने की ले लेनी चाहिए, तो अगर आपने सर्च करके वीडियो बना रखी होगी ना तो आप उसे इंस्टेंट जवाब नहीं दे पाएंगे। वही सेम चीज जो है ये गलत करते हैं कई लोग। कई लोग YouTube चैनल खोल लेते हैं, कहते हैं यार टेक्निकल वाला चल रहा तो टेक्निकल बनाता हूँ। कई लोग कहते हैं गाड़ी वाला चल रहा तो गाड़ी वाला बना देता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबको ये लगता है मैं वीडियो बना दूंगा, पर भाई साहब 200 वीडियो बनाने के बाद कंटेंट खत्म होने लगता है। सर ने तो 900 बना रखी है, कंटेंट खत्म नहीं हो रहा, डेली वीडियो आ रही है अभी भी। भाई जो भी यहाँ पे चैनल देख रहा है सर का, मुझे पता है आप सब दिल से प्यार करते हो, लेकिन अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार सर के चैनल पे जाओ, और अपनी अगर अर्निंग चाहते हो ऑनलाइन तरीके से तो सर की हर चीज़ पे 900 वीडियो मतलब 900 दिन की मेहनत, एक साल में 365 दिन होते हैं मेरे भाई, 3 साल कंटिन्यू, मतलब ये मानो डेली एक वीडियो बनानी है, 10 मिनट 15 मिनट बोलना है, कैसे बोल सकते हो यार। आप सोच के देखो, अगर आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है ना तो धर्मेंद्र सर बना जा सकता है, नहीं हमसे भी ऊपर जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बड़ा अच्छा लगा, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक अनुरोध है कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ियों के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो जिप ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना, सुनो सर यही चीज मैं बोलता हूँ, सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है एक बार जाके विजिट कर लीजिए, उस गाड़ी के बारे में सर्च करो यूट्यूब पे, मैं कहीं ना कहीं आपका छोटा बड़ा भाई मिल जाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा अरुण जी से मिलकर जीप ऑफ लाइफ से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।